कुछ दिन पहले मैं डीओ रिकॉर्डर के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया था और उसमें भाई साहब भर भर के कमेंट्स आए। अब वो कमेंट्स क्या है जरा हम लोग रीड करते हैं। ब्रो मेरा लाइव होती है बट यूट्यूब पे शो नहीं होता, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद क्वालिटी खराब हो जाती है और फुल स्क्रीन नहीं होता। भाई मेरा लाइव नहीं आता लिखा हुआ, दूसरे भाई का कमेंट लास्ट में स्टार्ट नहीं हो रहा, पूरा बताओ लाइव करके ब्रो। तो यार ऐसे बहुत सारे बंदों का कमेंट्स आता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा बहुत सारे बंदों का कमेंट्स आता है डीओ रिकॉर्डर से रिलेटेड। तो यार देखो यार मैं आपको एक साफ शब्दों में बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैं डीओ रिकॉर्डर के ऊपर वीडियो बनाया था और उसके कुछ दिन बाद डीओ रिकॉर्डर बैन हो चुका। फिर उसके बाद डीओ रिकॉर्डर में अगर आप लाइव करते हो तो आपको एरर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन आज के वीडियो में सच में बता रहा हूँ आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप इजीली स्ट्रीम कर पाओगे। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीओ रिकॉर्डर आपको ऑन कर लेना है। डीओ रिकॉर्डर जैसे आप ऑन करोगे तो आपको कुछ इस तरह दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, डीओ रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लेना है एंड उसको सब परमिशन दे देना है जो जो वो मांग रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है डीओ रिकॉर्डर, जैसे आप ऑन करोगे तो आपको इसका कुछ इस तरह लोगो दिख जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, इस लोगो पे क्लिक करना है। इस लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको लाइव वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप लाइव वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ 5 ऑप्शन दिखेंगे। तो YouTube वाले में आपको क्लिक नहीं करना है, सबसे नीचे RTMP वाले में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग जो सबसे ऊपर दिख रहा है सेटिंग, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा सबसे ऊपर लाइव रिजोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, आपका इंटरनेट कैसा चलता है, अगर आपका इंटरनेट अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा चलता है, तो आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है। अगर आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो आप 720p पे कर सकते हो, अगर आपका इंटरनेट उससे भी स्लो है तो आप 480p पे कर सकते हो, और अगर उससे भी स्लो है तो 360p में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 720p पे रख दिया, सॉरी मैं 480p पे रख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। FPS आपको ऑटो पे रखना है और बिट रेट आपको ऑटो पे रखना है। एंड गाइज लाइव आइडियो ये आपका क्या रहेगा, माइक्रो पे रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइक्रो पे हटा के माइक्रोफोन एंड इंटरनल आइडियो करना है, ठीक है। अच्छी तरह से देख लो, माइक्रोफोन एंड इंटरनल आइडियो इस पे करना है, ओके। बाकी कुछ भी नहीं करना है गाइज। यहाँ से आपको क्या करना है, पर्सनल वाटरमार्क बोले तो आपका जो होता है आपका क्या, ये क्या बोलते हैं भाई, ओवरले जो होता है ना वो इसके लिए है, ठीक है। अगर आप ओवरले लगाना चाहते हो तो आप एड इमेज में जाके आप अपना ओवरले लगा सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ से मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अभी ऑफ़ कर देता हूँ, आपको बैक आना है। अगर आप चाहते हो कि जितनी भी मैं लाइव स्ट्रीम किया हूँ अभी तो वो मेरा सेव हो जाए मेरी गैलरी में, तो आपको यहाँ पास इसको इनेबल कर देना है, सेव लाइव स्ट्रीम वीडियो, ओके। फिर आपको क्या करना है, अगर आप, मैं ये नहीं करूँगा, मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर लेना, ठीक है। तो फिर आपको नीचे, तो यार गाइस आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा लाइव स्ट्रीम वाला कुछ सेक्शन, तो इसको आपको हॉरिजॉन्टल पे ही रखना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, जस्ट आप नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा सेट लाइव स्ट्रीम पॉज, आपको यहाँ अपना स्ट्रीम पॉज वाला इमेज सेट कर देना है, ठीक है। जो मैंने आपको सेटिंग बताई सेम आपको यही करना है, ठीक है गाइस, फिर से बता रहा हूँ आपको सेम यही करना है। फिर उसके बाद आपको बैक आ जाना है, ठीक है। जैसे आप बैक आओगे तो अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पे जाना है एंड क्रोम ब्राउज़र में आपको अपना यूट्यूब ऑन कर लेना है, ठीक है। आपको अपना चैनल ऑन कर लेना है, जैसे कि आप अपना यहाँ पास आओगे तो आपको ये कुछ दिख जाएगा। और आपको यहाँ पास क्या करना है, डेस्कटॉप साइड ज़रूर ऑन करना है, ठीक है। जैसे आप डेस्कटॉप साइड ऑन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह दिख जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक किया हूँ और ये सबसे नीचे आप देख सकते हो डेस्कटॉप साइड मेरा ऑन है, ओके। अब आपको क्या करना है, चैनल कस्टमाइज में क्लिक कर देना है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चैनल कस्टमाइज में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे ये इंटरफेस ऑन होगा तो आपको कुछ इस तरह स्टूडियो आपको ऑन हो जाएगा। और मैं जूम करके फिर से आपको दिखा देता हूँ,
आपको सबसे ऊपर वाले में जाना है, बोले तो यहाँ पास, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। और आप गाइज मेरा देख सकते हो, कोई भी बंदा कमेंट्स ये मत करना क्या ये 1K सब्सक्राइबर में होता है या नहीं होता है, ये 1K के बिना काम नहीं करता। तो गाइज आप देख सकते हो मेरा सिर्फ एक सब्सक्राइबर है, ठीक है, मेरे कोई 1K सब्सक्राइबर नहीं है गाइज, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पास, यहाँ आए और सबसे कॉर्नर पे आप जाओगे इधर, और देखो आप यहाँ आपको लाइव वाला सेक्शन दिख जाएगा सबसे ऊपर, तो आपको लाइव वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह दिख जाएगा। तो ये बोल रहा है कि डाउनलोड क्रोम, मतलब बोले तो ये बोल रहा है कि आप इसको डेस्कटॉप साइड में ऑन करो। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है ना, तो 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइड में लगा देना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइड में लगाओगे तो ये सब हट जाएगा और इसका जो ओरिजिनल है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये आएगा गाइज ना, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है तो मैं इसको लोडिंग ले लेने देता हूँ, ठीक है। तो यार तुम लोडिंग ले लो, लेकिन यार मेरे जो व्यूअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको पूरा समझ में आना चाहिए। एंड यार मेरे को पूरा विश्वास है उन पे कि वो अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे अभी तक, और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे 110%। तो यार गाइस जैसा कि आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पास क्या करना है, टाइटल रखना है, डिस्क्रिप्शन रखना है, ठीक है। जैसे आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपका जो टाइटल होना चाहिए आप वो डाल दो, जो आपका डिस्क्रिप्शन आप रखते हो वो डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको विजिबल में आपको पब्लिक रखना है, अनलिस्ट रखना है, क्या रखना है आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक। तो देखो यार यहाँ विजिबल में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पास पब्लिक रखना है, अनलिस्ट रखना है या प्राइवेट रखना है। मैं तो अभी पब्लिक रखना चाहता हूँ, क्योंकि यार मेरे को दिखाना है पब्लिक को, ठीक है। तो मैं पब्लिक यहाँ रख के यहाँ से आपको डन कर देना है, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ गाइस, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे आया, और आपकी कैटेगरी क्या है, आपका गेमिंग कैटेगरी है और कोई भी है तो आप यहाँ डाल सकते हो। मेरा गेमिंग है, मैं गेमिंग डाल दिया, ठीक है। सॉरी ये क्या डाल दिया भाई, तो यार चलो यार मैं गेमिंग डाल दिया। अब नीचे आता है गेम टाइटल, गेम टाइटल का मतलब ये होता है, जब आप किसी का डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे नीचे लिखा रहता है, जैसे पबजी मोबाइल, फ्री फायर या कुछ भी, जिसकी भी वो डालते हैं, ठीक है। तो देखो यार मैं यहाँ टाइटल रख देता हूँ पबजी लाइट का, ठीक है। तो मैं पबजी लाइट खेलता हूँ यार, एंड यहाँ मैं पबजी मोबाइल लाइट डाल दिया। अब नीचे आपको आता है थंबनेल, थंबनेल आप कौन सा रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पास आओगे ना, तो थंबनेल का ऑप्शन आएगा, और थंबनेल के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो जैसे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, थंबनेल के ऑप्शन में आपको क्लिक करोगे तो एक बार क्लिक करोगे तो नहीं होगा, आपको डबल प्रेस जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। देखो जैसे डबल प्रेस कर दिए, ये आ गया, ठीक है। और आप अपना थंबनेल सेट कर सकते हो, आपका थंबनेल कौन सा है कैसा है आप बना लेना, ठीक है। जब आपकी पूरी प्रक्रिया यहाँ हो जाएगी तो आपको यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ देखो आपको कुछ इस तरह दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपका पूरा काम हो चुका है गाइज, अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको अपना ये इन्हें ऑन कर लेना है, डीओ रिकॉर्डर का ये ऑन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ये लाइव वाले सेक्शन पे जाना है, और RTMT वाले में जो आप ये लिखा हुआ है इस पे जाना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बोल रहा है सर्वर एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले मैं डालता हूँ स्ट्रीम की, जैसा कि आपको दिख रहा है स्ट्रीम की। तो आपको यहाँ जाना है, और इस वाले ऑप्शन पर आपको दिख जाएगा यहाँ पास, आप अच्छी तरह से देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, स्ट्रीम की दिख जाएगा, जिसमें से ये पासवर्ड टाइप में है, ठीक है। तो ये आपको किसी को नहीं दिखाना है, चाहे कोई भी बंदा हो, ठीक है, नहीं तो आपके उसमें स्ट्रीम करने लगेगा आपके चैनल पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रीम की कॉपी कर लेना है। जैसे आप स्ट्रीम की कॉपी कर लोगे तो आपको यहाँ आके स्ट्रीम की वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप पेस्ट कर दिए, ओके, अब आपको क्या करना है, आपको सर्वर एड्रेस डालना है। तो सर्वर एड्रेस डालने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रीम URL, जस्ट की के नीचे रहता है सर्वर, मतलब स्ट्रीम URL, ठीक है। तो स्ट्रीम URL पे जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ से स्ट्रीम URL मिल जाएगा। तो आपको यहाँ इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, बस पूरा काम हो चुका है गाइज। अब मेरे को यहाँ से स्टार्ट कर, तो देखो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो ये देखो मेरा स्टार्ट हो चुका है गाइज, लाइव स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जाके यहाँ, ये देखो ये मेरा पूरा लाइव यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ अभी मेरा लाइव स्टार्ट हो चुका है, ये देखो ये मेरा लाइव यहाँ स्टार्ट हो चुका है गाइस। ये देखो 8-9-10 सेकंड का हो गया, ये मेरा लाइव स्टार्ट हो चुका है गाइस, आप अच्छी तरह से देख लो, ओके। तो यही था मेरी जान, अब मैं देखो दिखा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे जाके, ठीक है, कि ये लाइव हुआ या नहीं हुआ गाइस, ओके। तो चलो यार,
मैं अपना सबसे पहले अपना चैनल ऑन कर लेता हूँ एंड मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो मेरा लाइव आ चुका है गाइस, ये देखो मेरा लाइव आ चुका है। तो यही वीडियो था गाइस, अगर आपको ओके पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिखा रहा हूँ देखो ये मैं लाइव हो चुका हूँ विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के, ठीक है आप अच्छी तरह से देख लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देना है, फिर बंद कर देना है, फिर आप जब ऑन करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ छेड़खानी कुछ नहीं करना है। स्ट्रीम यूआरएल जैसे मैंने अभी डाला है और स्ट्रीम की जैसे डाला है, बस दो चीज़ आपको वहाँ आके डीओ रिकॉर्डर में पेस्ट कर देना है, बस उसके बाद आपकी स्ट्रीम ईजीली हो जाएगी गाइज। तो आज का वीडियो यही था गाइज, आपको मैं पूरा डिटेल से समझा दिया, शायद इस तरह कोई भी ना समझाया होगा, बट यार बहुत सारे वीडियो बने हैं तो इससे भी अच्छे लोग समझाए होंगे, तो कोई बात नहीं गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी बंदा न्यू आया होगा तो प्लीज़, क्योंकि यार स्ट्रीम से रिलेटेड यहाँ अभी बहुत सारी वीडियो आएंगी, नाइट बॉट कैसे ऐड किया जाता है और आपको अपने स्ट्रीम पे अलर्ट बॉक्स कैसे लगाया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ यार सभी लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके तो चलो यार मिलते एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस, सो टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।